देख सको लिख। अच्छा जी, पॉली का मतलब क्या होता है? मैन। एंड सैकराइड्स फ्रॉम शुगर्स, यानी के पॉलीसेक्राइड्स क्या हो गए कि मैनी सैक्राइड यूनिट्स, मैनी मोनोसेक्राइड यूनिट्स। जब आपस में जुड़ जाते हैं तो हमारे पास जो कंपाउंड्स बनते हैं उनको कहते हैं पॉलीसेक्राइड्स। पॉलीसेक्राइड्स आर शुगर पॉलीमर्स, ये बिल्कुल शुगर पॉलीमर्स हैं, कंटेनिंग मोर देन 20 और 100 मोनोसेक्राइड यूनिट्स। इनके अंदर 20 या 20 से बहुत ज़्यादा अमाउंट में मोनोसेक्राइड यूनिट्स प्रेजेंट होते हैं। सम हैव हंड्रेड्स और थाउजेंड्स ऑफ यूनिट्स, कुछ के अंदर 100 से लेके 1000 तक यूनिट्स हो सकते हैं। अब यहाँ पे कौन से यूनिट्स की बात की जा रही है? मोनोसेक्राइड यूनिट्स, यानी कि मोनोसेक्राइड्स हमने पढ़े थे, वो वाले मोनोसेक्राइड जिनमें एक फंक्शनल ग्रुप होता है, 3 से लेके 7 तक कार्बन आइटम्स प्रेजेंट होते हैं। तो इनमें से कोई भी मोनोसेक्राइड यूनिट 20 दफ़ा या 20 से ज़्यादा दफ़ा अगर लगा हुआ होगा तो हम उसको क्या कहते हैं कि वो मोनोसेक्राइड तो नहीं रहा, ना ही वो ओलिगोसेक्राइड रहा, वो क्या बन गया? पॉलीसेक्राइड बन गया। ये बिल्कुल उस तरह है कि जैसे आपके पास एक धागा है, आप उस धागे में, उस थ्रेड में मोती बीड्स को एक एक करके डालते जाते हो। तो अगर आपकी जो बीड की लेंथ है वो 20 से अबव हो जाती है या 20 होती है, तो आपके पास जो वो बीड की अब स्ट्रिंग बनी है उसको आप क्या कहते हो? पॉलीसेक्राइड्स कहते हो। पॉलीसेक्राइड्स ऑन द बेसिस ऑफ देयर स्ट्रक्चर दो तरह के होते हैं, अपनी स्ट्रक्चर के बेस पे। एक होते हैं लीनियर चेन और दूसरे होते हैं ब्रांच चेन। लीनियर चेन कौन से होते हैं? जो बिल्कुल सीधे होते हैं, उनके दरमियान किसी भी, ये देखें लाइक हियर आप लोगों को नजर आ रहा होगा, ये देखें ये है लीनियर चेन। ये इसमें, ये डायग्राम में ये वाले क्या हैं? लीनियर चेन। लीनियर चेन को हम अनब्रांच भी कहते हैं, जो बिल्कुल सीधे हैं, जिनके एंड्स जो हैं वो खुले हुए हैं, आपस में ज्वाइंट नहीं हैं और उनके अंदर कोई भी किसी भी किस्म की ब्रांच नहीं लगी हुई, यानी कि एक ही तना है लंबा सा बस। तो लीनियर चेन, और लीनियर चेन के बाद कौन सी होती है? ब्रांच चेन। दूसरे हैं ब्रांच चेन, जो इसके साथ ही यहाँ डायग्राम में है कि ये देखिए, ये लीनियर चेन के साथ ही अगर कोई ब्रांच लगी हुई है, और ये ब्रांच एक से ज़्यादा भी हो सकती हैं, 2, 4, 10, 15, 20 डिपेंडिंग अपॉन दी मॉलिक्यूल कि किस टाइप का वो मॉलिक्यूल है, तो उसमें ब्रांचेस भी उतनी ज़्यादा होंगी। तो स्ट्रक्चर के बेस पे हमारे पास दो तरह के पॉलीसेक्राइड्स होते हैं, वन इज़ लीनियर चेन एंड द सेकेंड वन इज़ ब्रांच चेन। लीनियर चेन में एग्जांपल है हमारे पास सेलुलोज, जिसको हमने लास्ट लेक्चर में बहुत डिटेल में डिस्कस किया था कि सेलुलोज क्या होते हैं। सेलुलोज पॉलीसेक्राइड है। कहाँ पे प्रेजेंट होता है? वुड में, लकड़ी में प्रेजेंट होता है, प्लांट्स की सेल वॉल में प्रेजेंट होता है। और सेलुलोज जो है, हमारी जो कॉटन होती है, प्योर कॉटन, उसका तकरीबन 95% सेलुलोज का बना हुआ होता है। और सेलुलोज में होता क्या है? सेलुलोज खुद ग्लूकोज का बना हुआ होता है, और ग्लूकोज आपस में 1,4 ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड के थ्रू जुड़े हुए होते हैं। नेक्स्ट है ग्लाइकोजन। ग्लाइकोजन है ब्रांच चेन के एग्जांपल। ऐसे पॉलीसेक्राइड जिनमें ब्रांचेस लगी हुई होती हैं, तो ग्लाइकोजन में ब्रांच चेन होती है, और ये भी किसका बना हुआ होता है? ये भी ग्लूकोज का ही बना होता है, पर ये किस में प्रेजेंट होता है? ये सिर्फ एनिमल्स में प्रेजेंट होता है एंड ह्यूमन बींग्स में प्रेजेंट होता है। ग्लाइकोजन में भी 1,4 ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड होता है, पर 1,4 ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड के साथ साथ, चूंकि 1,4 ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड जहाँ पे भी होगा समझे वो लीनियर चेन होगा, तो इसमें तो ब्रांच चेन भी है। तो ब्रांचेस कैसे लगती हैं? ब्रांचेस हमेशा 1,6 ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड से की वजह से लगती हैं। वहाँ पे जो स्मद बॉन्ड है जिससे हमने जोड़ना है ब्रांच को लीनियर चेन के साथ, दैट इज़ 1,6 ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड। आप लोग इसको नोट कर लें, वो कौन सा बॉन्ड है? 1,6 ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड। ग्लाइकोजन एनिमल्स में प्रेजेंट होता है, ह्यूमन बींग्स में प्रेजेंट होता है, और इसका काम क्या होता है कि ये हमें एनर्जी प्रोवाइड करता है। एनर्जी कैसे प्रोवाइड करता है? जब हमारे जिस्म को, हमारी बॉडी को एनर्जी की ज़रूरत होती है तो हम क्या करते हैं? हम ग्लाइकोजन को तोड़ देते हैं। तोड़ते कैसे हैं? तो वाकई जब हम इसको तोड़ते हैं तो हमारे पास ग्लूकोज के रेजिड्यूज़ आ जाते हैं, क्योंकि ये ग्लूकोज का बना होता है। ग्लूकोज के रेजिड्यूज़ आ जाते हैं, और ग्लूकोज जो है वो एनर्जी हासिल करने के लिए इस्तेमाल होती है। मैम ये वाली बात, ग्लाइकोजन ब्रांच चेन होता है। अब ब्रांच चेन में देखें, यहाँ से डायग्राम में देखें कि ये है लीनियर चेन,
लीनियर चेन कैसे बन रही है, 1,4 ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड से बन रही है, यानी कि इसके अंदर जो धागा डाला जा रहा है, आप ये समझ लें कि जो बीड्स को मोतियों को आपस में जोड़ा जा रहा है वो जोड़ा जा रहा है थ्रू 1,4 ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड, ठीक है, वो है एल्फी। आप लोग ये समझ लें, एल्फी का पता है ना हमें, एल्फी हम लोग घरों में भी यूज़ करते हैं। अब जहाँ पर ब्रांच लग रही है, ब्रांच, ये ब्रांचिंग पॉइंट, ये ब्रांच कैसे जुड़ेगी, ये एल्फी से नहीं जुड़ सकती, ये किससे जुड़ेगी, ये स्मद बॉन्ड से जुड़ेगी, और वो स्मद बॉन्ड केमिकली क्या है, 1,6 ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड। अब ये जो ब्रांच ने आगे मजीद बढ़ना है, ऐसे ऊपर को जा रही है या नीचे को जा रही है, जहाँ भी जा रही है, तो ये तो अब खुद लीनियर चेन हुई, तो लीनियर चेन है, इसका मतलब ये दोबारा कैसे बढ़ेगी, 1,4 ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड से, यानी कि एल्फी से। सिर्फ इस ब्रांच को यहाँ पे मेन चेन के साथ जोड़ने के लिए जो बॉन्ड चाहिए वो क्या है, 1,6 ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड। क्लियर? ओके, सो तो अब इन दोनों मॉलिक्यूल्स के बारे में एक्सप्लेन किया जा रहा है, जो मैं आप लोगों को ऑलरेडी बता चुकी हूँ, बोथ आर पॉलीमर्स, दोनों क्या हैं, पॉलीमर्स हैं। पॉली मीन्स मैनी, मर मीन यूनिट्स, के मैनी यूनिट्स उनमें लगे हुए, मैनी यूनिट्स लगे हुए, तो इसका मतलब वो क्या हुआ, पॉलीसेक्राइड हुआ। तो बोथ आर पॉलीसेक्राइड्स एंड कंसिस्ट ऑफ रीअकरिंग यूनिट्स ऑफ ग्लूकोज, दोनों किसके बने हुए हैं, रीअकरिंग यूनिट्स ऑफ ग्लूकोज, यानी कि एक ही मोती, एक ही ग्लूकोज बार 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 आकर जुड़ रहा है, तो लंबी लंबी चेन्स बन गई। बट दे डिफर इन द टाइप ऑफ ग्लाइकोसिडिक लिंकेज, इनमें सिर्फ डिफरेंस क्या है कि इनमें ग्लाइकोसिडिक लिंकेज का डिफरेंस है। हमें पता है सेल्यूलोज में सिर्फ 1,4 ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड होता है, जबकि ग्लाइकोजन में 1,4 के साथ साथ 1,6 ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड भी प्रेजेंट होता है। सिर्फ बॉन्ड की चेंज होने पर, एल्फी और स्मद बॉन्ड, सिर्फ ये दो चीज़ें, ये चेंज होने पर ही दोनों मॉलिक्यूल्स की प्रॉपर्टीज कितनी ज़्यादा डिफरेंट हो गई हैं, तो दस हैव स्ट्राइकिंगली डिफरेंट प्रॉपर्टीज एंड बायोलॉजिकल रोल्स। इसी वजह से इनका काम और इनका फंक्शन बिल्कुल डिफरेंट है। सेलुलोज वुड में प्रेजेंट होता है, वुड बनाता है, प्लांट की सेल वॉल्स को बनाता है। कॉटन जो प्योर फैब्रिक है हमारा, कॉटन, कॉटन के कपड़े हम पहनते हैं, तो ये जो कॉटन है वो किससे बनी होती है, सेलुलोज, 95% तकरीबन सेलुलोज होती है उसमें। और ग्लाइकोजन कहाँ पे होता है, ये हमारे मसल्स में होता है, लिवर में होता है, एनिमल्स में होता है, एंड ह्यूमन बींग्स में प्रेजेंट होता है। इट कैन नॉट बी प्रेजेंट इन प्लांट्स, ग्लाइकोजन किसी सूरत में भी प्लांट्स में प्रेजेंट नहीं हो सकता, इसीलिए इसको स्टोरेज फॉर्म ऑफ ग्लूकोज इन एनिमल्स भी कहते हैं। जहाँ पर मैं एनिमल्स की बात करूँ इसका मतलब है कि वहाँ पे ह्यूमन बींग्स भी इंक्लूडेड हैं। नेक्स्ट है, अभी जैसे हमने यहाँ पर ये देखा कि सेलुलोज और ग्लाइकोजन दोनों ही डी ग्लूकोज के बने हुए हैं, पर दोनों में डिफरेंस क्या है, सिर्फ स्मद बॉन्ड का, सिर्फ ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड का डिफरेंस है। तो आगे वो ये बता रहे हैं कि इस तरह काफ़ी सारे पॉलीसेक्राइड्स एक दूसरे से बहुत मिलते जुलते होते हैं, पर वो डिफ़र करते हैं, वो मुख्तलिफ होते हैं एक दूसरे से। कैसे मुख्तलिफ होते हैं, या तो उनमें रीअकरिंग मोनोसेक्राइड यूनिट डिफरेंट होता है कि ग्लूकोज नहीं है, ग्लूकोज की जगह कुछ और है, या उनकी चेन लेंथ डिफरेंट होती है। एक की चेन लेंथ थी फर्ज कर लें 500 मोनोसेक्राइड यूनिट्स, दूसरे के 1,000 मोनोसेक्राइड यूनिट्स, तो चेन लेंथ डिफर होने पे भी उनकी प्रॉपर्टीज़ डिफरेंट हो जाती हैं। एक छोटी रस्सी से आप छोटा काम ले सकते हो, बड़ी रस्सी से आप बड़ा काम ले सकते हो, ठीक है। तो चेन लेंथ डिफरेंट होने पर प्रॉपर्टीज़ डिफरेंट हो जाती हैं। फिर अगर आपने वहाँ पे मोनोसेक्राइड्स को ही चेंज कर दिया तो उससे भी क्या होगा, प्रॉपर्टीज चेंज हो जाएंगे। एक रस्सी आपकी बनी हुई है प्लास्टिक की वायर की, और दूसरी आपकी बनी हुई है अच्छे एक फैब्रिक मोटे धागे की, तो दोनों में फ़र्क होगा। तो अगर मोनोसेक्राइड यूनिट्स चेंज हो जाते हैं तो उससे क्या होता है, प्रॉपर्टीज़ चेंज हो जाती हैं। इसके अलावा अगर बॉन्ड्स में चेंज होता है, जैसे हमने भी पढ़ा है 1,4 ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड या 1,6 ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड, बॉन्ड में चेंज होता है तब भी प्रॉपर्टीज़ डिफरेंट हो जाती हैं। एंड इन द डिग्री ऑफ ब्रांचिंग, डिग्री ऑफ ब्रांचिंग किसको कहते हैं कि वहाँ पर नंबर ऑफ ब्रांचेज कितनी है। अब जैसे एक मॉलिक्यूल है, इसमें कितने नंबर ऑफ ब्रांचेज हैं, आप लोग मुझे देख के बताएंगे। हाँ जी एहतशाम बताएं, मोहम्मद एहतशाम, डायग्राम में कितनी ब्रांचेस लगी हुई हैं, इस डायग्राम में इसमें कितनी ब्रांचेस हैं,
हाँ जी बोले बेटा। हाँ जी वलीद बताएं। एक एक ही है। हाँ जी तो इसमें कितनी ब्रांचेज हैं? एक ही ब्रांच है। अगर ज़्यादा ब्रांचेज होंगी, ठीक है बेटा अपने माइक्स को म्यूट कर लें, अगर ज़्यादा ब्रांचेज होंगी तो उससे भी प्रॉपर्टीज़ डिफरेंट हो जाएंगी। एक दरख्त है जिसमें बहुत ज़्यादा शाखें हैं, उसका साया भी उतना ज़्यादा होता है, उसमें फल भी उतना ज़्यादा लगता है, वो उतना ही ज़्यादा ग्रीन होता है, उसमें पत्तों के नंबर ऑफ लीव्स जो हैं वो उतने ज़्यादा होते हैं। जिसमें ब्रांचेज कम है वो इतना घना नहीं होता, वो इतना सायादार भी नहीं होता। तो यहाँ पे वही बात है कि जिसमें जितनी ज़्यादा ब्रांचेज होंगी उसकी प्रॉपर्टीज़ उसी हिसाब से उतनी ही डिफरेंट होंगी। क्लियर? तो पॉलीसेक्राइड्स अपनी प्रॉपर्टीज़ को चेंज कर सकते हैं किस किस बेस पे? ऑन द बेसिस ऑफ देयर रिकरिंग मोनोसेक्राइड यूनिट्स, ऑन द बेसिस ऑफ देयर चेन लेंथ, ऑन द बेसिस ऑफ देयर टाइप ऑफ द बॉन्ड एंड ऑन द बेसिस ऑफ द डिग्री ऑफ ब्रांचिंग, कि उनमें ब्रांचिंग की डिग्री कितनी है, कितने हद तक वहाँ पे ब्रांचेज प्रेजेंट हैं। पॉलीसेक्राइड्स आर ऑल्सो कॉल्ड एज ग्लाइकन्स। पॉलीसेक्राइड्स को हम ग्लाइकन्स भी कहते हैं। एक सेकेंड नेम है पॉलीसेक्राइड्स का और वो क्या है? ग्लाइकन्स। जैसे हमने किसी लेक्चर में पढ़ा था ग्लाइको कॉन्जुगेट्स, तो वहाँ पे ग्लाइको कॉन्जुगेट्स का मतलब क्या था कि वहाँ पे पॉलीसेक्राइड यूनिट यानी कि कोई कार्बोहाइड्रेट मॉइटी लगी हुई है और कार्बोहाइड्रेट मॉइटी के साथ कुछ और कोई लिपिड या कोई प्रोटीन या कोई फैट का मॉलिक्यूल लगा हुआ है, तो वो क्या बन जाते हैं? ग्लाइको कॉन्जुगेट्स। ओके, नेक्स्ट है ऑन द बेसिस, ये ऑन द बेसिस ऑफ रीअकरिंग मोनोसेक्राइड यूनिट्स। पॉलीसेक्राइड्स आर अगेन ऑफ टू टाइप्स। नंबर वन इज होमोपॉलीसेक्राइड्स एंड द सेकेंड इज हेट्रोपॉलीसेक्राइड्स। होमो मीन्स होता है सेम, पॉलीसेक्राइड का तो हमें पता ही है। हेट्रो मीन होता है डिफरेंट। दोनों क्लासेस किसके बेस पे हैं? रिअकरिंग मोनोसेक्राइड यूनिट्स के बेस पे हैं। तो होमोपॉलीसेक्राइड्स का मतलब हुआ कि तमाम वो वाले पॉलीसेक्राइड्स जिनमें सेम मोनोसेक्राइड यूनिट प्रेजेंट है, यानी कि अगर ग्लूकोज है तो पूरी की पूरा पॉलीसेक्राइड, पूरी की पूरी चेन किसकी बनी हुई है? ग्लूकोज रेजिड्यू की बनी हुई है। नेक्स्ट इज हेट्रोपॉलीसेक्राइड। हेट्रो मीन होता है डिफरेंट, इसका मतलब है कि वहाँ पे एक नहीं दो या दो से ज़्यादा किस्मों के मोनोसेक्राइड्स प्रेजेंट हो गए। ग्लूकोज है, ग्लूकोज के साथ हो सकता है फ्रुक्टोज हो या एनएसटाइल ग्लूकोसामीन हो या कुछ और हो, कुछ भी, ठीक है। तो होमोपॉलीसेक्राइड्स कंटेन ओनली सिंगल मोनोमेरिक स्पीशी, उनके अंदर सिर्फ एक टाइप का मोनोसेक्राइड यूनिट प्रेजेंट होता है। नंबर डिफरेंट हो सकते हैं, यहाँ पर टाइप की बात हो रही है। हेट्रोपॉलीसेक्राइड्स में कंटेन टू और मोर डिफरेंट काइंड्स ऑफ मोनोसेक्राइड यूनिट्स, उनमें दो या दो से ज़्यादा डिफरेंट टाइप्स के मोनोसेक्राइड यूनिट्स प्रेजेंट हो सकते हैं। सम होमोपॉलीसेक्राइड्स सर्व एज स्टोरेज फॉर्म्स ऑफ मोनोसेक्राइड्स डेट आर यूज्ड एज फ्यूल्स। कुछ मोनोसेक्राइड्स होमोपॉलीसेक्राइड्स खास तौर पे, कुछ होमोपॉलीसेक्राइड्स ऐसे होते हैं जिनको हम फ्यूल के तौर पे इस्तेमाल करते हैं, बजाते खुद अपनी बॉडी में एज अ फ्यूल। फ्यूल मतलब ईंधन। ईंधन से हमें क्या मिलती है? हमेशा एनर्जी मिलती है। तो कुछ होमोपॉलीसेक्राइड्स को हम अपने अंदर बतौर एनर्जी मॉलिक्यूल्स, बतौर फ्यूल इस्तेमाल करते हैं, जिसमें हमारे पास क्या क्या आ जाता है? स्टार्च एंड ग्लाइकोजन, जो हमने ऊपर पढ़ा भी और मैंने आप लोगों को बताया कि ग्लाइकोजन क्या है, हमें एनर्जी हासिल करने के लिए रिक्वायर होता है। तो ग्लाइकोजन इज प्रेजेंट इन एनिमल्स एंड ह्यूमंस, वाइल स्टार्च इज प्रेजेंट इन प्लांट्स। स्टार्च प्लांट्स में प्रेजेंट होती है और प्लांट्स जो हैं वो स्टार्च से अपनी एनर्जी हासिल करते हैं। होमोपॉलीसेक्राइड है, इसका मतलब है कि दोनों में ही एक ही टाइप का मोनोसेक्राइड यूनिट प्रेजेंट है और वो क्या होता है? दोनों में ग्लूकोज ही प्रेजेंट होता है। अदर होमोपॉलीसेक्राइड सेलुलोज एंड काइटिन फॉर एग्जाम्पल सर्व स्ट्रक्चरल एलिमेंट्स इन फंजाई एंड एक्स्ट्रा या एक्सोस्केलेटन्स ऑफ एनिमल्स। एक्स्ट्रा सेलुलर मैट्रिक्स भी कह सकते हैं, एक्सोस्केलेटन भी कह सकते हैं। तो
होमोपोलीसेकेराइड्स आगे मजीद दो टाइप्स के होते हैं। एक होते हैं जो स्टोरेज फ्यूल के तौर पर इस्तेमाल होते हैं, यानी कि हमारी बॉडी में स्टोर होते हैं और बवक्त ज़रूरत फ्यूल का काम करते हैं, हमें एनर्जी प्रोवाइड करते हैं। दूसरे होते हैं होमोपोलीसेकेराइड्स जो कि हमारी बॉडी में स्ट्रक्चरल एलिमेंट्स बनाते हैं, यानी कि हमारी बॉडी के स्ट्रक्चर को बनाते हैं। जैसे कि एग्जाम्पल है जिसमें सेलुलोज एंड काइटिन। सेलुलोज हमने ऊपर पढ़ा था एग्जाम्पल में, लीनियर चेन होता है, होमोपोलीसेकेराइड होता है। और ये किस में प्रेजेंट होता है? प्लांट्स में प्रेजेंट होता है, प्लांट्स की सेल वॉल को बनाता है। दूसरी तरफ है काइटिन। काइटिन किस में प्रेजेंट होता है? काइटिन फंजाई में, फंगस में प्रेजेंट होता है, और फंगस के सेल वॉल में काइटिन होता है। और ये जो काइटिन होता है फंजाई को और ज़्यादा स्ट्रॉन्ग बनाता है, फंजाई का स्ट्रक्चरल एलिमेंट बनाता है। इसके अलावा मैंने लास्ट टाइम आप लोगों को बताया था एक्सोस्केलेटन, एनिमल एक्सोस्केलेटन। एनिमल्स कौन से? एनिमल्स जिनमें इंसेक्ट्स आ जाते हैं। तो काफ़ी सारे इंसेक्ट्स के एक्सोस्केलेटन्स में भी काइटिन प्रेजेंट होता है, जिसके एक एग्जांपल मैंने आप लोगों को लास्ट टाइम दी थी कॉकरोच। और बताया था मैंने आप लोगों को कि काइटिन जो होता है वो बहुत स्ट्रॉन्ग होता है, एक स्ट्रॉन्ग शीट होती है जो अपने अंदर से रेडिएशन वगैरह को पेनिट्रेट होने नहीं देती, इसलिए कॉकरोच जो है वो रेडिएशन से किल नहीं होता, एटम बॉम्ब से किल नहीं होता। क्लियर? यस मैम। ओके मैम, ये बिल्डिंग ब्लॉक है हर लिविंग ऑर्गेनिज्म। यस यस। तो बायोलॉजिकल सेल किसको कहते हैं? इट्स अ यूनिट ऑफ लाइफ। ये क्या है? यूनिट ऑफ लाइफ है, बुनियादी इकाई है लाइफ की। लाइफ सेल के बगैर नहीं हो सकती। तो सेल क्या है? सबसे बेसिक यूनिट है लाइफ का, जिंदगी का। तो जहाँ जहाँ पे जिंदगी है, जिस जिस फर्द के पास, जिस जिस ऑर्गेनिज्म के पास जिंदगी है, उसमें सेल होगा। तो सेल जो हैं, ऑर्गेनिजम्स जो हैं, वो मल्टी सेलुलर भी हो सकते हैं, सिंगल सेलुलर भी हो सकते हैं। मल्टी सेलुलर हम लोग हैं जिनमें करोड़ों सेल्स लगे हुए हैं, जबकि बैक्टीरिया और कुछ प्रोटीस ऐसे होते हैं जो सिंगल सेलुलर होते हैं। वो पूरा जानदार सिर्फ एक सेल का बना होता है। तो यहाँ पे हम उसी एक जानदार की बात कर रहे हैं, वो है बैक्टीरिया। बैक्टीरिया का हम लोगों को आम जुबान में तो पता ही है, बैक्टीरिया है। बैक्टीरिया क्या होते हैं? हार्मफुल होते हैं, जो कोई ना कोई डिजीज़ कॉज करते हैं या हमारी चीज़ों को ख़राब करते हैं। पर सारे बैक्टीरिया बुरे नहीं होते, कुछ अच्छे बैक्टीरिया भी होते हैं। खैर, हम उसकी बहस में नहीं जाते। तो बैक्टीरिया का जो सेल इन्वेलप होता है, बैक्टीरिया के बाहर भी एक सेल वॉल होती है, उसको सेल इन्वेलप कहते हैं। तो ये जो सेल इन्वेलप है वो पेप्टिडोग्लाइकेन का बना होता है, और पेप्टिडोग्लाइकेन क्या है? हेटरोपोलीसेकेराइड है। तो बेसिकली हेटरोपोलीसेकेराइड्स का काम क्या होता है? ये सारे के सारे ऑर्गेनिजम्स में, चाहे वो सिंगल सेलुलर हैं, चाहे वो मल्टी सेलुलर हैं, चाहे वो एनिमल्स हैं, प्लांट्स हैं, कुछ भी हैं, ये सब में ही कहीं ना कहीं किसी ना किसी तरह एक्स्ट्रा सेलुलर सपोर्ट प्रोवाइड करता है, जैसे कि बैक्टीरिया में है। क्लियर? इन एनिमल टिश्यूज द एक्स्ट्रा सेलुलर स्पेस इज ऑक्यूपाइड बाय सेवरल टाइप्स ऑफ हेटरोपोलीसेकेराइड्स। और एनिमल टिश्यूज में क्या होता है? जो एक्स्ट्रा सेलुलर स्पेस होती है वो काफ़ी सारे हेटरोपोलीसेकेराइड्स ने कवर की हुई होती है, और उन हेटरोपोलीसेकेराइड्स की वजह से हमारे जो सेल्स हैं वो थोड़े से क्या हो जाते हैं, स्ट्रॉन्ग हो जाते हैं, उनको सपोर्ट मिलती है।